नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अंबरीश शुक्ल। पर्यावरण में जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण भाग खेल से संबंधित ये तीसरा वीडियो है और आज इस वीडियो में मैंने पूरे महत्वपूर्ण खेलों और उनसे संबंधित खिलाड़ियों और उनके स्थान जहाँ पे वो निवास करते हैं, मूल निवास स्थान उनका जहाँ, उस चीज़ को जोड़ने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर ये वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण साबित हो, ये मेरी कामना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम खेल और खिलाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। खिलाड़ी एक तरफ लिखे हुए, दूसरे तरफ राज्य का नाम, तीसरे तरफ खेल का नाम, और सभी खिलाड़ी भारत के हैं, ये मैं पहले बता देता हूँ। पहले खिलाड़ी का नाम है सुशील कुमार। सुशील कुमार का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक पहलवान हैं ये और पहलवानी करते हैं। पहलवान क्या करता है, कुश्ती लड़ता है। और बापरोला दिल्ली के रहने वाले महोदय जी हैं ये। जीतू राय, तो क्षमा करिएगा, थोड़ा स्वास्थ्य से परेशान चल रहा हूँ। तो जीतू राय जी हैं, जीतू राय लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं और ये शूटर हैं। शूटर का मतलब बंदूक चलाते हैं, निशाना लगाते हैं। हिमा दास जी हैं ढिंग, ये असम में पड़ता है और ये धावक हैं हिमा दास जी। साक्षी मलिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, रोहतक हरियाणा की हैं, ये पहलवान हैं। इनका नाम अभी कुछ दिन पहले सुर्खियों में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीवी सिंधु का नाम तो आपको भुलाना ही नहीं है। पीवी सिंधु जो हैदराबाद की हैं, आंध्र प्रदेश में जो की है, और ये बैडमिंटन की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल का नाम तो आप सब जानते हैं, परिचित होंगे, हिसार हरियाणा की रहने वाली हैं और ये बैडमिंटन में खूब नाम कमा चुकी हैं। सानिया मिर्जा जी हैं, सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र में इनका मूल निवास है। इनका विवाह पंजाब के पाकिस्तान प्रांत में हुआ है। ये टेनिस की मुख्यतः खिलाड़ी हैं। गीता फोगाट जो हैं भिवानी हरियाणा की हैं और कुश्ती इनका मुख्य खेल है, जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। पीटी उषा, जिसका नाम बहुत ही सुर्खियों में रहा, भारत की उड़न परी भी इनको कहा जाता है, ये कोझिकोड़ा की रहने वाली, केरल में जो पड़ता है, ये धावक हैं। मिल्खा सिंह बहुत महत्वपूर्ण है, गोविंदपुरा पाकिस्तान के रहने वाले हैं इनका, क्योंकि जन्म पाकिस्तान में हुआ था और ये धावक हैं। दीपा कर्माकर, तो ये अगरतला त्रिपुरा की हैं और जिम्नास्टिक, तो इनका नाम आप बहुत ही प्रेम से याद रखिए, महत्वपूर्ण नाम है, जिसका कारण ये है कि जिम्नास्टिक में प्रादुनोवा एक जिम्नास्टिक खेल होता है जो बहुत खतरनाक होता है, उसको इन्होंने करने का प्रयास किया था। अभिनव बिंद्रा, इन्होंने भी भारत के लिए खूब काम किया है, देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले निशानेबाज हैं। चलिए एमसी मैरी कॉम, जिन पर फिल्म बन चुकी है, इम्फाल मणिपुर की रहने वाली हैं, मुक्केबाज हैं। और कृष्णा पुनिया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अग्रोहा हरियाणा की रहने वाली हैं, डिस्कस थ्रो अर्थात जो हाथ से चक्री फेंकी जाती है उसको खेलती हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज चंगसेरी की हैं, केरल में है, एथलीट हैं ये हैं। मिताली राज को तो सब जानते होंगे, जोधपुर राजस्थान की हैं और महिला क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटिंग में ये बहुत नाम कमा चुकी हैं। कर्णम मलेश्वरी हैं, ये अमड़ा लावलस आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है, भारोत्तोलक में है ये, अर्थात वजन उठाने वाला जो खेल होता है उसको करती हैं। अंजलि भागवत, तो अंजलि भागवत मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, निशानेबाज हैं ये। सीमा अंतिल, ये महत्वपूर्ण है, सोनीपत हरियाणा की रहने वाली हैं, डिस्कस थ्रो फेंकती हैं। गगन नारंग चेन्नई तमिलनाडु निशानेबाज हैं, तो गगन नारंग का भी नाम अच्छा है, याद रखना है आपको। विकास कृष्णन, तो विकास कृष्णन जी जो हैं ये हिसार हरियाणा के मुक्केबाज हैं। मणिक बत्रा नरैना बिहार दिल्ली टेबल टेनिस, हिना सिंधु लुधियाना पंजाब निशानेबाज, मनु भाकर झाझर हरियाणा निशानेबाज, पूनम यादव वाराणसी उत्तर प्रदेश भारोत्तोलक, संजीता चानू ये भी महत्वपूर्ण है, इनका भी नाम महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। संगीता चानू के बाद आती हैं, संगीता चानू जी आती हैं। संगीता चानू कांगचिंग मणिपुर की हैं, भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू इम्फाल मणिपुर, भारोत्तोलक हैं। श्रेयसी सिंह जमुई बिहार की निशानेबाज हैं। विनेश फोगाट बलाली हरियाणा कुश्ती, और उसके बाद अनिश भनवाला जी हैं करनाल हरियाणा निशानेबाज हैं। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा एथलेटिक्स हैं। विश्वनाथ आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ये कहाँ के हैं, मैला दुथुरई तमिलनाडु के हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और भारत में नंबर एक शतरंज के खिलाड़ी होने का भी गौरव उन्होंने प्राप्त किया है। आर
प्राग नंदा चेन्नई तमिलनाडु शतरंज के खिलाड़ी, सुनील छेत्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिकंदराबाद तेलंगाना फुटबॉल के हैं, इन्होंने फुटबॉल को बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है। किदाम्बी श्रीकांत ये भी नए खिलाड़ी हैं जो उभरते हुए हैं, तमिलनाडु बैडमिंटन के हैं। सीमा पुनिया सोनीपत हरियाणा की हैं, डिस्कस थ्रो की हैं। उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत जी, रुड़की उत्तराखंड क्रिकेट खेलते हैं ये। शिखर धवन दिल्ली क्रिकेट आप जानते ही हैं, महेंद्र सिंह धोनी रांची झारखंड क्रिकेट जानते ही हैं, वाईचुंग भूटिया टिनकीतम सिक्किम फुटबॉल। तो जिन लोगों के लिए मैंने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके नाम पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के दो तीन छोटे वीडियो और मैं खेल पर बनाऊंगा जिसको आप 5 मिनट में 4 मिनट में आसानी से देखकर एक बार रिवीजन कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो मित्रों ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और बहुत अच्छा लगा हो शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।